अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद कलीम प्रेस ऑफ इंडिया की जानिब से आपका इस्तकबाल करता हूं। देखते हैं आज की अहम खबरें। मेरा नाम मोहम्मद मुकरम अहमद है। मैं मेडिकनम से कुछ टैबलेट लेके आने गया था। वापसी में मैं जो है ब्रिज पे से चल के फिर उतर रहा था की कॉलोनी में, सडन जो है अटैक हुआ मेरे पे। सामने से गाड़ी आके हिट कर गया रोटी को। उसमें 5-6 जने थे, बात करने का भी मौका नहीं दिया। रॉड वगैरह थे, मेरे जो ड्राइवर मेरे साथ जो था मेरा दोस्त भी मारे वो निकल गया, लेकिन फिर मेरे पे सडन सीधा अटैक कर उतार दिया उसने। कौन कौन मारे, नामा ही कुछ मालूम है? नहीं, नामा नहीं मालूम, चेहरा नहीं दे सका। मैं डायरेक्ट मेरे पहले बुक में मार के ब्लास्ट कर दिया, खून जाना शुरू हो गया। उसके बाद लगातार मारना शुरू करे, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई आंख में एकदम मारना शुरू करे। अटैक करने की वजह नहीं मालूम, उतना मेरे को और कंबर में मारे मेरे को रोड से और चेहरे पे एकदम मारे 17 टाके लगे पूरे होटल के ऊपर। ये पूरा यहाँ पे ये पूरा डिस्टेंस कराया हमने। कौन सी रोड पे मारे साहब? ये राजेंद्र नगर पे। कहाँ पर? राजेंद्र नगर में कहाँ पर? ये ब्रिज के ब्रिज पे मारे। ब्रिज के ऊपर पिलर नंबर कुछ? ये 202 का वहाँ पर गाँव से उतर रहा था मैं। कैमरे वगैरह कुछ थे? हो गया, कैमरे होंगे। मैं कंप्लेंट जब भी 100 को फोन करा, मेरा फोन ऑफ हुआ था। इच्छा के 100 को कॉल करा मैं तो रेस्पॉन्स मिला मेरे को। आए बोले सुबह में पुलिस वाले, इंक्वायरी कर रहे बोले। अब तक इंक्वायरी तो कुछ भी नहीं हुई, एफ आई आर कॉपी भी नहीं दिए मेरे हाथ में, देता हूँ बोलते बोले। मैं नहीं जा सका, पीएस तो अनकॉन्शियस था, मैं हॉस्पिटल से घर ही डायरेक्ट आया। अभी भी जो है समय में तो बहुत सारे पेंट्स है, डॉक्टर बात नहीं करना बोल के बोला मेरे को। टीचर्स ऊपर हो सकते बोल के बोला। तो मैं दरखास्त करता हूँ हमारे डीसीपी साहब प्रकाश साहब। आप क्या काम करते हैं?
मेरा कंस्ट्रक्शन का हिसाब रियल इस्टेट का बिजनेस है मेरा। जी हाँ। तो आपके पार्टनर है क्या कोई? हाँ मेरे पार्टनर है, मेरे पार्टनर है, बिजनेस चलता हूँ, लेकिन शक तो किसी पर नहीं है, लेकिन ऐसा सडन होना एकदम अचानक तो वो चीज़ समझ में नहीं। अगर पुलिस वाले थोड़ा साथ देंगे, इंक्वायरी होंगी तो मालूम होगा मेरे को कि ये क्या है। खुदा ना खास्ता अगर इन केस मेरे को भी बच्चे वाला हूँ, मैं भी हो सकता मर भी जा सकता था, इतना बुरा मानना उससे मेरे को उसकी इंक्वायरी चाहिए बस उतना ही। उतने में एरिया है हमारे राजेंद्र नगर सी आई साहब से विनती करता हूँ कि प्लीज़ ये केस को ज़रा थोड़ा सिंसियरली देखे तो बहुत अच्छा रहेगा सर, रिक्वेस्ट। और वही सोच रहा बोला हूँ सी आई, वो लोग अगर इंक्वायरी करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि अभी ऐसा हमला हुआ, फिर इन केस कभी भी कुछ हो सकता मेरे साथ और मेरी जान को धोखा भी है अगर ऐसा रहा तो, क्योंकि मेरे को निकलना तो ज़रूरी है घर के बाहर, कमाना तो ज़रूरी है मेरे को बहुत, क्योंकि मैं कमाऊँगा तो मेरे बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो फिर कैसा होगा। तो मैं उस वजह से दरख्वास्त करता हूँ कि किसी भी सूरत में हमारे एरिया सी आई साहब को और सेक्टर एस आई को और जो है डी सी पी प्रकाश साहब को के कैसा भी जो है समा इस कंप्लेंट को वो करिए, और हमारे कमिश्नर साहब से भी मैं बिल्कुल करता हूँ थोड़ा सीरियस लीजिए, ये मैं एक नहीं ऐसे कई लोग हैं होते रहते हैं किसी के साथ, तो मैं करता हूँ कि वो मदद कीजिए किसी भी शिकायत में।